हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 20 डे सीरीज के डे 11 की वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जो कि है हमारा भारत में प्रथम, यानी कि भारत में जो भी प्रथम व्यक्ति थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जीके में कि प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम राष्ट्रपति कौन था, प्रथम राज्यपाल कौन था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट हम आते हैं वीडियो पर। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उनका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मोस्टली क्वेश्चंस में ये मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर भी थे और ये प्रथम वायसराय भी थे, ठीक है, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंट वेटेन। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स, ये थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रशासन पर विशेष ध्यान देने वाले प्रथम मुस्लिम बादशाह कौन थे? तो वो थे शेरशाह सूरी। ये जो प्रशासन था उस पर बहुत ध्यान देते थे, प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने इनके कार्यकाल में बहुत अच्छी रही थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? यानी कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उसमें जो भारतीय सदस्य था वो कौन था? तो वो थे एपी सिन्हा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी, ये प्रथम भी थे और अंतिम भी थे, तो वो थे श्री राजगोपालचारी। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से एक क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा जाता है, वो है कि वो जो हमारी संविधान सभा हुई थी तो उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो अस्थायी सदस्य थे वो थे हमारे श्री राजगोपाल सचिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। अस्थायी सदस्य सचिदानंद सिन्हा थे और जो हमारे स्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार का, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय गणराज्य के मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सभापति कौन था? तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभापति बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी तो उसकी सभापति बनाई गई थी श्रीमती एनी बेसेंट, ये प्रथम महिला सभापति थी। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वो बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी? तो फ्रेंड्स, अगर हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो इसकी प्रथम महिला बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है, भारतीय विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर किसको बनाया गया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है प्रथम स्पीकर का, तो वो बनी थी श्रीमती शन्नो देवी। भारत की प्रथम महिला राजदूत किसे बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, प्रथम महिला राजदूत बनी थी सीबी मुथम्मा, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य दलित मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? तो उन्हें बनाया गया था केजी बालकृष्णन को। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश किसको बनाया गया? तो वो बनी थी फातिमा बीबी।
नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी लीला सेठ। भारत का पहला दलित राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, तो फ्रेंड्स पहला दलित राष्ट्रपति बनाया गया था के आर नारायण को। भारतीय लोकसभा का प्रथम दलित स्पीकर बनाया गया था जी एम सी बालियोगी को, जी एम सी बालियोगी को। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल किसे बनाया गया था, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था के एम करियप्पा को। नेक्स्ट है परमवीर चक्र जीतने वाला प्रथम भारतीय कमांडर सेना अधिकारी कौन था, तो फ्रेंड्स वो थे निर्मल जीत सिंह सेखों। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी छोटी थी क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी वीडियो होती है उसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए, तो इसलिए आज हमने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे सेकेंड पार्ट में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दें। अगर वो थोड़ी बड़ी भी होती है फिर भी हम उसमें सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद आपको और भी बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, जैसे कि आपका टेट हो गया, सी टेट हो गया, और अगर कोई भी और टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं इसके आगे आप, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके। अगर हम बात करें जो स्टैटिक पार्ट होता है उसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।